अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ हमना सलीम और आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक नई प्लेस पे। जानते हैं आज मैं आपको कौन सी प्लेस विजिट करवाने लगी हूँ? गेस दिस प्लेस, कैन यू गेस दिस प्लेस, येस आर नो? सो यू कॉन्ट गेस द प्लेस, जस्ट स्वाइप द कैमरा। तो मैं आपको बताती चलूं कि आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में, जिसकी तहसील है करतारपुर। आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूं कि करतारपुर को सिटी ऑफ क्रिएशंस या फिर लॉर्ड ऑफ क्रिएशंस भी कहते हैं। ये बेसिकली एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ भी आपका एक रेफर है कि लॉर्ड ऑफ क्रिएशन बेसिकली अल्लाह ताला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आज आपको गुरु नाना साहिब के श्राइन का पूरा विजिट करवाऊंगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आई नीड योर सपोर्ट। अगर सपोर्ट मिलेगी तो मैं आपको आपके लिए पाकिस्तान की और डिफरेंट प्लेसेस विजिट करवा सकूंगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कॉमेंट्स करें और हो सके तो शेयर भी करें। सो लेट्स कम विद मी, मैं आपको पूरा विजिट करवाती हूँ। ये पब्लिक पार्किंग प्लेस है, यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ से पार्किंग के बाद आप शटल सर्विस लेंगे जो कि गुरुद्वारा जाने के लिए आपको हेल्प करेगी और आपको अंदर ले जाएगी। सो फ्रेंड्स, अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपने गुरुद्वारा से टिकट परचेज़ करना है और टिकट के चार्जेस 200 रुपीस हैं फॉर लोकल सिटीज़न। बाद ये शटल सर्विस अवेलेबल है जो कि आपको गुरुद्वारा के अंदर ले जाएगी। फ्रेंड्स, गुरुद्वारा के अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने शूज़ यहाँ पर सबमिट करवाने होंगे, उसके बाद ही आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। सिख मज़हब में इस तालाब को सरोवर का नाम दिया जाता है। ये तालाब बहुत मुकद्दस है और गुरुद्वारा का एक अहम जुज़ है। इस तालाब का मकसद बराबरी का है कि एक ही सफ़ पर बैठकर लंगर है, एक ही सफ़ पर बैठकर इबादत है और एक ही सफ़ पर बैठकर गुसल है। इवन यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी वज़ू कर कर बैतुल्ला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकती है। ये पानी बहुत पाक है और मेरी विज़िटर्स से गुजारिश है कि इस पानी की पाकिस्की का भरपूर ख्याल रखा जाए।
सो गाइस, ये करतारपुर का गुरुद्वारा का वो पार्ट है जहाँ पर गुरु नानक साहब खेतीबाड़ी किया करते थे, और यहाँ पर उगने वाली फसलों से गुरुद्वारा के अंदर लंगर तकसीम किया जाता था, लंगर पकाया जाता था और फिर तकसीम किया जाता था। और लंगर की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, हर गरीब अमीर सब लोगों को इस लंगर से खाना खिलाया जाता था। ये 62 एकड़ ज़मीनें हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गुरुद्वारा के लंगर के लिए मुख्तस की गई हैं, आप देख सकते हैं। इस गुरुद्वारा को गुरुद्वारा दरबार साहब कहा जाता है। हिस्ट्री के मुताबिक 1521 में बाबा जी गुरु नानक साहब, जो कि सिख मज़हब के पहले बानी हैं, जिनकी विलादत 1469 को ललकाना साहब में हुई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक ख़ास बात बताती चलूँ कि गुरु नानक साहब की टोटल उम्र 70 साल 4 महीने थी। इस ज़िंदगी में उनको चाहने वाले हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे और सिख भी थे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि गुरु नानक साहब खेतीबाड़ी किया करते थे, और ये कुआं जो कि आप अभी देख रहे हैं, इस कुएं के पानी से वो अपने खेतों को सराब किया करते थे। सो दिस इज़ हिस्टोरिकल कुआं, एंड द अमेजिंग थिंग इज़ दैट स्टिल इट इज़ फंक्शनल, यू कैन से। तो फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री को थोड़ा शॉर्ट करती चलूँ। बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी के 52 साल दुनियादारी के, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, इराक एंड इवन सऊदी अरेबिया भी शामिल है। इन तमाम ममालिक में बाबा जी ने प्यार, इंसानियत और वहदानियत की तबलीग की। दुनिया को नेक और सीधी राह बताते बताते 1521 में बाबा जी इस मकाम पर पहुँचे जिसको अब करतारपुर कहा जाता है। जब बाबा जी करतारपुर तशरीफ़ लाए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बाकी 18 साल यहाँ गुजारने का फ़ैसला किया। September 15, 1539 में बाबा जी इस मकाम पर पर्दापोश हुए, तो मुसलमान भाई और सिखों का झगड़ा स्टार्ट हो गया। बाबा जी को कब्र में दफनाया जाए आया या उनको सुपुर्दे आग किया जाए। किसी बुज़ुर्ग ने मशवरा दिया कि इस बात का फ़ैसला बाबा जी पर ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि बाबा जी की तालीमात प्यार और मोहब्बत की हैं, और जब चादर उठाई गई तो बाबा जी नहीं थे और वहाँ फूल पड़े हुए थे। तब से लेकर आज तक गुरु नानक साहब वो शख्सियत हैं जिनको किसी ने ना ही दफनाया है और ना ही सुपुर्दे आग किया है। सो अभी जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये गुरु नानक साहब की कब्र है, मज़ार है, या आप इसको दरगाह कह सकते हैं। यहाँ पर मुसलमान अकीदत के मुताबिक गुरु नानक साहब की चादर को दफनाया गया है। इस टावर को निशान साहब कहा जाता है। सिख कम्युनिटी में कोई इबादत का निशान साहब के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती। इसका मकसद यह है कि तमाम बाहर से आने वाले लोगों को मालूम हो सके कि ये एक इबादत का है। अगर कोई इबादत की नियत से आ रहा है तो वो इबादत कर सकता है यहाँ पर। अगर कोई भूखा है तो वो लंगर से खाना खा सकता है।
और अगर किसी के पास शेल्टर नहीं है तो वो शेल्टर ले सकता है। बेसिकली गुरुद्वारे का मकसद लोगों की मदद करना है और इंसानियत का है। सो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको गुरुद्वारा म्यूज़ियम ले चलती हूँ। एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर इमरान खान ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है स्पेशली सिख कम्युनिटी के लिए। वो यहाँ पर विदाउट वीज़ा विजिट कर सकते हैं और यहाँ की ज़ियारत कर सकते हैं। बहुत बहुत सेक्रेड प्लेस है। ऑल रिलीजन, यू नो, तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं दुनिया के वो सारे इक्वल हैं। सो फ्रेंड्स, दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं सही उनमें इक्वलिटी, जस्टिस एंड पीस सबसे पहले नंबर पर आता है। इमरान खान का भी यही मकसद था कि वो सिख कम्युनिटी को यहाँ पर प्रमोशन दें और वो अपने मुकद्दस मकामात पर विज़िट करने आएँ। इवन पाकिस्तानी भी यहाँ पर विज़िट करने आ सकते हैं, मुस्लिम्स आ सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और ये बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पर आप इजीली विज़िट कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये हमारा हिस्टोरिकल एक एसेट है जिसको हमें सेव करना चाहिए, हमें कंजर्व करना चाहिए, यहाँ ज़रूर आना चाहिए और इसकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करतारपुर जो है लाहौर से 3 आवर्स की, लेस देन 3 आवर्स की ड्राइव पर है। आप देख सकते हैं ये सरोपा है और यहाँ से मैं ये एज अ गिफ्ट, एज अ सुवेनियर लेकर जा रही हूँ और ये मेरे लिए उतना ही मुकद्दस है जितना कि सिख कम्युनिटी के लिए है। आज का हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और करतारपुर का विज़िट कैसा लगा। और यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, ये पाकिस्तानी इवन मुस्लिम्स यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, हिंदू कम्युनिटी विज़िट कर सकती है, तमाम रिलीजन के लिए यहाँ पर इक्वली आपको ट्रीट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये टाइम हुआ जाता है कि मैं आपसे इजाज़त ले लूँ। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ भी हमारे लिए। It's time to go back.